नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिविन। आज का वीडियो एकदम स्पेशल वीडियो दोस्तों, क्योंकि कई सारे कस्टमर ये पर्टिकुलर फीचर के लिए रिक्वेस्ट किया था रेनडेक के ऊपर। और ये जो फीचर, ये जो वीडियो मैंने इसलिए बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करती हैं या गारमेंट्स का बिजनेस करती है या फुटवेयर का बिजनेस करती है, जो भी प्रोडक्ट्स आपने जो सेल करती हैं, तो समझ लीजिए कस्टमर आके आपसे पूछता है स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये जो कपड़ा उठा के बोलेंगे इसका बड़ा साइज है क्या, वो जो फॉर एग्जांपल ये मिरर है, समझ लीजिए मिरर है, इसका मेन ओरिजिनल मेक है क्या, ये चाइना मेक है क्या, उसका प्राइस क्या है, तुरंत बताओ। अगर आपने बोलने के लिए एक मिनट लेट होंगे तो कस्टमर बिल्कुल आपसे निकल जाएंगे, यानी वो निकल जाएंगे दूसरी जगह से जाके ले लेंगे। चप्पल का बिजनेस में या फुटवेयर बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों साइज का प्राइस, क्योंकि कोई भी साइज, फॉर एग्जाम्पल इसका साइज समझ लीजिए साइज नंबर 8, वो कस्टमर आके पूछा इसका 9 साइज है क्या, उसका प्राइस क्या है, तो हमने ढूंढेंगे, खोजेंगे, फिर जाएंगे, फिर बोलेंगे थोड़ा सर आफ्टरनून बताता हूँ ये हो ही नहीं सकता है। आपको तुरंत तुरंत अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर बोलना चाहिए कहाँ है, कितना है, कितना कितना साइज अवेलेबल है, कौन सा है, तुरंत एक सेकंड में जैसे बारकोड से स्कैन करिए तुरंत का तुरंत बता देना चाहिए। ये समाधान में आपको तुरंत दिखा देता हूँ। ये सबसे मेनली क्या होता है स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस के लिए होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे एक कस्टमर मेरे को बोला है उनके पास ब्रेक शू है, एग्जाम्पल का तो ब्रेक शू टोयोटा का ब्रेक शू लैंड क्रूजर का, चाइना का भी है, थाईलैंड का भी है, ओरिजिनल टोयोटा भी है, है ना, 3-4 वेराइटी है। ये कोई भी मतलब कस्टमर आके ब्रेक शू पूछा, तुरंत हमने किस तरीके से ढूंढेंगे, या ये ब्रेक शू हमारे हाथ में मिल गया तो तुरंत स्कैन करने के टाइम किस तरीके से पता चलेंगे अलग अलग इतना सारे वेराइटीज, इतना सारे नंबर ऑफ पीसेस अवेलेबल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों ये, मैं आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिकल का तरीका से दिखा देता हूँ किस तरीके से होती है। देखो ये जो रेनडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर का देखो एकदम ब्यूटीफुल इंटरफेस आपने देख रहे हैं, इसमें देखो एक सेलर पैनल दिख रहा है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट अभी डाला नहीं, बिल्कुल खाली मतलब प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं है उसके अंदर। आप इसको क्लोज करिए, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट चढ़ाएंगे इसके अंदर, जब भी चढ़ाएंगे तभी जा करके हमको वो काम पे आएंगे। देखो बुक ऑन बुल के जो एक्सेल शीट मैंने खोला है, ये एक्सेल के माध्यम से हमने बल्क इंपोर्ट कर सकता है रेनडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर, इवन आपने परचेस एंट्री भी कर सकता है और उसके अलावा एक्सेल के माध्यम से भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एंट्री करता हूँ मिरर, देखो मिरर बोल के मैंने इधर डाला हुआ है, और इसमें देखो इसमें एक बार कोड होती है, फॉर एग्जाम्पल इसका क्वांटिटी देखो इधर देखिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैंने ताकि आपको दिखाई देती है। देखो ओपनिंग स्टॉक समझ लीजिए ये जो पर्टिकुलर ओपनिंग स्टॉक है 10, और इसका देखो बार कोड जो है, इसका जो बार कोड इसमें डिफॉल्ट जो बार कोड आती है उसको आपने स्कैन करिए, देखो नंबर 5, ठीक है जी। और इसमें देखो इधर सबसे लेफ्ट साइड में आइए, और ये जो मिरर आपको 2-3 टाइप का है, ये जो है समझ लीजिए ओरिजिनल है, इसका चाइनीज़ भी है, थाईलैंड भी है, आप कैसे एंटर करेंगे देखिएगा, इसको सीधा आपने सेलेक्ट कर दिया फर्स्ट लाइन को और इसको नीचे खींचिए, और देखो इधर सबसे मिरर में आपको इधर लिख भी सकता है चाइना, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, अगर चाहिए तो लिख सकता है, क्योंकि आपको मतलब डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैंने लिख दे रहा हूँ, और थाईलैंड, इतने सारे मॉडल्स हैं। और इसमें सबसे मेन क्या है ना जी, ये जो HSN कोड एक ही डाली है, ये जो पर्टिकुलर इसमें HSN पार्ट नंबर यानी सॉरी HSN कोड नहीं पार्ट नंबर, देखो ये जो पार्ट नंबर आपको दिख रहा है, पार्ट नंबर या मॉडल नंबर जो भी है आपको सबको एक ही डाली है, उसमें से मतलब है, उसमें से कोड जाती है, उसमें से आपको ग्रुप होती है, ग्रुपिंग यानी वो नंबर सेम डालेंगे एक ग्रुप हो गया, इकट्ठा हो गया, तो समझ लीजिए इसको चाइना हो गया, ओरिजिनल हो गया, जो थाईलैंड डाल दे ओके डाल दिया, इसको अलग अलग प्राइस डालें कोई बात नहीं डालिए, आप इसको 700 इसको मतलब ओरिजिनल को आपने 600 डाल दिया और जो चाइना के आपने 400 डाल दिया और थाईलैंड को आपने 500 डाल दिया, देखिए सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। और सबका अलग अलग स्टॉक है कोई बात नहीं, इधर स्टॉक भी डाल दीजिए, एक 10 का है, एक 20 पीस है और एक 40 पीस है, सिंपल सिंपल का जवाब, सबको बार कोड एक ही मत डालिए, 6-7 अलग अलग बार कोड डाल दिए, यानी मात्र एक बार कोड उसका हो गया तो बाकी का सीरियल वाइज डालिए अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, ठीक है जी। और ये जो प्रोडक्ट हमने एंटर कर दिए एकदम परफेक्ट तरीके से एंटर कर दिए, बस इतना ही करना जी, समझ लीजिए ये जो शर्ट कपड़े का दुकान में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, शर्ट करके मैंने डाल दिया शर्ट करके टाइप कर दिया, और ये जो लाइन को है ना जी आपने इस तरीके से नीचे खींचेगा तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएंगे, देखिए ये जो शर्ट को क्या किया हमने, वेरी सिंपल सॉल्यूशन है जी, देखो शर्ट
इसको साइज़ के हिसाब से होती है शायद, और मे भी ब्रांड के हिसाब से होती है। ओके, साइज़ के हिसाब से एक्सल करके डाल दिया, और ये जो शर्ट के नीचे नीचे आपने खींच के आपने एक्सल डाल दिया, डबल एक्सल डाल दिया और ट्रिपल एक्सल डाल दिया, समझ लीजिए ट्रिपल एक्सल डाल दिया, ठीक है। और ये सब डाल दिया, इसका जो पार्ट नंबर आप अलग रखिए, समझ लीजिए इसको पार्ट नंबर 70 रखिए, आपको समझ में आ रहा है ना एकदम। देखो ये जो शर्ट जितना है, देखिएगा ये जो शर्ट, तीन शर्ट हमने डाला है, तीनों का बार मैंने पार्ट नंबर मैंने 70 रखा है, क्लियर, क्योंकि एक ग्रुप हो गया। उसको चाहिए अलग प्राइस डालिए, कोई बात नहीं जी। ये जो सबसे लास्ट में जाइए अपने, ये जो बार कोड जो होती है, यहाँ देखो हमने बार कोड डाला है, और 8, 9, 10 जो आपको 1000 से भी शुरू कर सकता है बार कोड को, बार कोड नंबर्स, ठीक है। मैंने एक बार कोड को हमने उठा करके जो शर्ट में जो बार कोड है उसको स्कैन कर दिया, देखिए कोई मात्र एक बार कोड स्कैन कर दिया मैंने, ठीक है। और अलग अलग बार शर्ट में अलग अलग बार कोड होते हैं, स्कैन कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो जो पार्ट नंबर जो डाला है उसके हिसाब से ग्रुपिंग होती है। एक ग्रुप हो गया, तो तीसरा ग्रुप है जो अपना चप्पल, इसको क्या लिखेंगे, फुटवेयर या चप्पल लिखे, चप्पल लिखा मैंने, और इसका भी आपने इस तरीके से खींच के नीचे रखी, 1, 2, 3 जो भी है, देखिए कितना भी मतलब 10 वैरायटी है, कोई बात नहीं। एक चप्पल करके हमने जो डाला है, और इसको भी हमने डालिए एक्सल, और इसका नंबर मेरे ख्याल से 8, 9, 10 ऐसे करके आती है, 8, 9, 10 इस तरीके से आती है ना जी। देखिए इसका आपने पार्ट नंबर क्या रखी है, आपने और कुछ 50 करके रखी है, 50, देखिए ना ये भी एक ग्रुप कर दिया मैंने, देखिए ये एकदम ग्रुप हो गया 50, उसको राइट साइड में इधर देखिए जी, 50 ये एक ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से हर एक प्रोडक्ट आपको ग्रुपिंग कर सकता है, इसमें एक मैजिकल रिजल्ट आपको आएंगे, देखिएगा। इसका भी देखो प्राइस, आपने सेलिंग प्राइस आपको अलग अलग कर सकता है, इसका देखो इसका 600 रुपीज़, 700 रुपीज़, 800 रुपीज़, जो तरीके से आपको करना है कर सकता है। और हर एक मॉडल का कितना कितना स्टॉक है, यानी इसको समझ लीजिए 50 पीस है, 40 पीस है, 20 पीस है, जो भी क्वांटिटी भी आपने चेंज कर सकता है कर सकता है। और बार कोड में क्या करिएगा, इसको 10 आ गया, इसको 11 आ गया, इसको 12 आ गया, 13 आ गया, कोई भी एक बार कोड को अपना जो कंपनी जो बार कोड आया हो उसको स्कैन कीजिए, या सब में बार कोड अगर मिल गया तो ठीक है, बढ़िया है, इसको ये स्कैन करें, देखिए वो बार कोड अंदर उधर लग गया, बस इतना ही काम किया मैंने। देखिए आपको एकदम प्रॉपर तरीके से एक्सेल शीट तैयार हो गया। इस तरीके से कितना भी हज़ारों लाखों प्रोडक्ट आपने एक साथ एंट्री कर दीजिए, फिल कर दीजिए दोस्तों। और मैंने इसको क्या किया, देखो इसको मात्र यस कर दिया, और एचएसएन कोड जो भी है आपका, जो भी हिसाब से चेंज कर सकता है, जो डिस्काउंट डाल सकता है, परचेस डेट डाल सकता है, जीएसटी वगैरह जो भी डाल सकता है, सब कुछ आपको एक्सेल शीट के माध्यम से एंट्री हो सकता है। इसको मैंने सीधा सेव कर दिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया, एक्सेल शीट हमने फिल कर दिया। और हमने क्या करेंगे, वो जो एक्सेल शीट को अपना सॉफ्टवेयर के अंदर इम्पोर्ट करेंगे, किस तरीके से कर देंगे, देखिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जाइए, प्रोडक्ट्स में जाइए, अपने जो इम्पोर्ट में क्लिक करिए, और बुक वन करके जो हमने बनाया था उसको हमने ला रहा हूँ इसके अंदर और सेव कर रहा हूँ, तुरंत का तुरंत वो सेव हो जाएंगे, देखिए सक्सेसफुली सेव हो गया दोस्तों। अभी देखिए ये जो एक्सेल शीट एकदम प्रॉपर तरीके से उसमें इम्पोर्ट कर दिया, अभी क्वेश्चन आ गया, हम सेल करने के लिए बैठा हुआ है, कस्टमर अपना सामने आ रहे हैं सेल, मतलब प्रोडक्ट सेल करने के लिए, किस तरीके से सेल करेंगे, और इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस कस्टमर पूछेंगे। एग्जांपल ये जो चप्पल उठाया दिखाता है, ये जो साइज़ का और थोड़ा बड़ा साइज़ अवेलेबल है क्या, और इसका प्राइस क्या है, यानी बड़ा साइज़ का। तो जब भी आपने तुरंत का तुरंत आंसर देंगे, तब भी जाकर के वो कस्टमर को सेटिस्फाई होंगे, आपने को प्रोफेशनल फील करेंगे। तो इस रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है, आप सीधा सेल पैनल में जाइए, आप इसको बार कोड में क्लिक करिए, आप सीधा जो इसको एक बार स्कैन करिए, इसको जो रेडीमेड बारकोड जो है इसको स्कैन करिए, तुरंत का तुरंत उधर दिखाई देती है दोस्तों। देखिए देखिए चप्पल देखो इधर दिख रहे हैं ना आपको, देखिए पॉपअप आती है, पॉपअप 600 का है, 9 साइज़ का 700 है, और चप्पल 10 साइज़ का 800 रुपया है। इसमें से कौन सा चाहिए आपने, जो देखो एरो बटन से सेलेक्ट कर सकता है, समझ लीजिए ये जो हो गया। तो उसके बाद एक मतलब मिरर आया, मिरर ये जो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फॉर एग्जांपल मेरे एक कस्टमर है, उन्होंने मुझे कहा उनका जो बिजनेस है, उनका जो बिजनेस स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, बेसिकली फॉर एग्जांपल के तौर ब्रेक शू है,
लैंड क्रूजर गाड़ी का ब्रेक शू है, उसका चाइना है, थाईलैंड है और ओरिजिनल है। कोई कस्टमर आके पूछा और एक पीस उठा के तुरंत उधर स्कैन करते हैं, तुरंत तुरंत पता देते हैं ये जो बारकोड हमने उसके अंदर सेव नहीं किया था इसलिए करके वो मतलब दिखाए नहीं। इन केस आपने क्या कर सकते, इधर से ड्रॉप डाउन में इधर देखो मिरर करके आपने सेलेक्ट कर दिया और ऐड टू कार्ट करते तुरंत पूछता है कौन सा है, देख रहे उसको सेलेक्ट कीजिए बस। और ये जो शर्ट गारमेंट्स का बिजनेस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आके शर्ट उठा के आपको दिखाया तो पूछता है समझ लीजिए ये जो शर्ट का बड़ा साइज है या एक्सेल है डबल एक्सेल या ट्रिपल एक्सेल, आप फिर सोचेंगे ढूंढेंगे फिर देखेंगे अलमारी में देख, हाँ ये हो नहीं सकता। इस तरीके से जवाब देने से कस्टमर इतना मतलब डर हो जाएंगे आपसे निकल जाएंगे वापस आए कभी आएगा भी नहीं। सीधी सी बात, जैसे कस्टमर आपके पास लेके आ गए और तुरंत आपने अपने कंप्यूटर में उठा करके रेंडक POS खोल दिया और ये जो बारकोड को आपने स्कैन कर दिया तुरंत का तुरंत दिखाई देते, सर इसका एक्सेल भी है डबल एक्सेल भी है ट्रिपल एक्सेल भी है कौन सा चाहिए बताओ, ट्रिपल एक्सेल का आपको सिर्फ 500 रुपये लगेगा, चाहिए तो ले लो सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, बिलिंग कर दीजिए। इतनी सिंपल तरीके से ग्रुपिंग कर सकता है अपना रेंडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रोडक्ट। और ये जो समाधान मैंने आपको दिखाया है ना जी, वो इतना हेल्पफुल समाधान है, मतलब आपको यूजर फ्रेंडली समाधान है। और इसी प्रोडक्ट के अंदर समझ लीजिए आपको बल्क एडिट करना है, वो भी मैं आपको इसके साथ में दिखा देता हूँ क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट्स में जाइए, आपने बल्क एडिट में जाइए, देखिए बल्क एडिट, आप इसमें कोई भी प्रोडक्ट वगैरह प्राइस वगैरह चेंज करना है तो आपको देखो इधर सेलिंग प्राइस आपको दिख रहा है ना जी, देखिए इधर इसका प्राइस चेंज करना है 800 करना है, इसका प्राइस आपको देखिए इधर जो है मतलब 700 करना है, आपको इधर लेफ्ट साइड में टिक करके यानी दोनों में टिक कर देना, बाद में एडिट कर देना है, ऑटोमेटिकली जितना भी प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह चेंज करना है वहाँ से बल्क एडिट भी कर सकते हैं, यानी एक साथ पूरा का पूरा प्रोडक्ट दिखता है आपको, उसमें से आपको प्रोडक्ट का प्राइस भी चेंज कर सकता है वेरी ईजीएस्ट वे में रेंडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में। यह समाधान आपने ले लीजिए दोस्तों, सिंपल तरीके से आपने अपना बिजनेस चलाइए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।